कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? मुबारक के महीने में नाजिल हुआ। वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या था? वही लाने वाले फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल था। कुरान में किस खातून का नाम आया है और कितनी मरतबा? कुरान में हजरत मरियम का नाम 34 मरतबा आया है। वो कौन सा सूरा है जो दो मरतबा नाजिल हुआ? सूरह अलहम दो मरतबा नाजिल हुआ। कुरान कितने सालों में नाजिल हुआ? कुरान तकरीबन 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान मजीद में कितने सजदे वाजिब हैं? कुरान मजीद में 4 सजदे वाजिब हैं। सूरह तौहीद का दूसरा नाम क्या है? सूरह तौहीद का दूसरा नाम सूरह इख़लास है। सूरह मजीद में कितने नबियों के नाम आए हैं? 25 नबियों के नाम आए हैं। अहल बैत की शान में कौन सा सूरा नाजिल हुआ? अहल बैत की शान में सूरह दहर नाजिल हुआ। कितनी सूरतें लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं? 5 सूरतें लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। किस सूरे को इमाम हुसैन का सूरा कहा जाता है? सूरह फजर को इमाम हुसैन का सूरा कहा जाता है। कौन सी आयत को अजीम तरीन आयत कहा गया है? कुरान के अहम तरीन सूरे का क्या नाम है? कुरान मजीद के कितने पारे हैं? कुरान मजीद के 30 पारे हैं। कौन सा सूरा पैगंबर के कबीले के नाम पर है? सूरह कुरैश पैगंबर के कबीले के नाम पर है। हज़रत मोहम्मद का अहम तरीन मौजज़ा क्या है? हज़रत मोहम्मद का अहम मौजज़ा कुरान मजीद है। उसूल दीन कितने और कौन कौन से हैं? उसूल दीन यानी दीन की जारी अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है। क्या अल्लाह हमें देख रहा है? जी अल्लाह हमें देख रहा है। अगर दो खुदा होते तो क्या होता? दोनों में झगड़ा हो जाता, दुनिया का निजाम भरम हो जाता। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह हर जगह मौजूद है। पहले नबी का नाम बताएं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आसमानी किताबों के नाम बताएं? कयामत यानी क्या है? कयामत यानी अल्लाह उस दिन अपनी कुदरत से सब इंसानों को मौत के बाद दोबारा जिंदा करेगा। आखिरी नबी के बाद अल्लाह ने हमारे हिदायत के लिए क्या इंतजाम किया? अल्लाह ने आखिरी नबी के बाद बारह इमाम भेजे। जब किसी से मिले तो क्या करना चाहिए? जब किसी से मिले तो सलाम करना चाहिए। जब किसी से मिले तो क्या करना? तो सलाम करना चाहिए। आखिरी आसमानी किताब का नाम क्या है? कुरान मजीद है। जहन्नम में कौन लोग जाएंगे? जहन्नम में मुशरिक बदकार जालिम और गुनाहगार लोगों को कयामत के बाद फेंका जाएगा। इस्लाम किसका दीन है? इस्लाम अल्लाह ताला का दीन है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? अच्छी बातें सिखाता है, बुरी बातों से रोकता है। अली वलीउल्लाह का तर्जुमा क्या है? हजरत अली अल्लाह के वली है। पंजतन के नाम बताएं? पंजतन के नाम हजरत मोहम्मद, हजरत हजरत फरमाजा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मासूम कितने हैं? मासूम 14 है। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए कितने अंबिया भेजे? 124,000 अंबिया भेजे। क्या अल्लाह का कोई शरीक है? जी अल्लाह वाहद अल्लाह शरीक है। हमें हमारे माँ बाप को और पूरी दुनिया को किसने पैदा किया? हमारे माँ बाप को पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। रसूल कितने हैं? रसूल 313 है। कुरान की बहादुर बहार कौन सा महीना है? कुरान के बहार रमजान मुबारक का महीना है। कौन सा सूरा हजरत ज़हरा की शान में नाजिल हुआ? सूरह कौसर हजरत ज़हरा की शान में नाजिल हुआ। पैगंबर कितने हैं? पैगंबर 124,000 हैं। कौन सी सूरा में बिस्मिल्लाह दो बार आया है? सूरह अलहम, सूरह नमल में बिस्मिल्लाह दो बार आया है। अदल के क्या मायने हैं? अदल के मायने यानी अल्लाह अदल है। सूरह बकरा में सबसे पहले किस नबी का तस्करा है? हजरत आदम का तस्करा है। कुरान की हिफाजत कौन करता है? कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला करता है। कुरान करीम के सबसे बड़े सूरे का नाम बताएं? सूरह बकरा। अस्हाब फील के क्या मायने हैं? अस्हाब फील के मायने हैं यानी हाथी वाले लोग। कुरान किस सूरे से शुरू होता है और किस सूरे पर ख़त्म होता है? सूरह नाम पर शुरू होता है, सूरह नाज पर ख़त्म हो जाता है। कुरान मजीद में कितने सूरे हैं? कुरान मजीद में 114 सूरे हैं। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा का नाम और उसे पढ़ के बताएं? सूरह कौसर। इन्ना तन्ना कल कौसर वसल्ले रब्बी कवन इन्ना शानिया कवन अबतल। दीन इस्लाम के मानने वालों को क्या कहते हैं? इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं।